ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, ये बात तो सभी जानते हैं। लेकिन ताजमहल के कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिसे काफ़ी लोग नहीं जानते, और आज के इस वीडियो में मैं आपको ताजमहल के कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। सो हेलो फ्रेंड, आई एम पीयूष कुमार एंड वेलकम टू माई चैनल पीयूष यूट्यूबर 0092। सो लेट स्टार्ट। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपको पता है कि जब ताजमहल बनाया गया था तो इस पर लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, यानी उस समय के 3 करोड़ आज के 63 अरब 77 करोड़ के बराबर हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आपको पता है कि जो ताजमहल के मेन रास्तों के बीच में जो फव्वारे लगे हैं वह किसी पाइप से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि हर फव्वारे के नीचे तांबे का एक टैंक है। यह सभी टैंक एक ही समय पर भरते हैं और दबाव पड़ने पर एक साथ ही पानी छोड़ते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आपके मन में कभी यह प्रश्न आया है कि जो ताजमहल की चारों मीनारे हैं जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है, वो हल्का सा झुका हुआ क्यों है? दोस्तों ताजमहल की चारों मीनारों को इसलिए झुकाया गया है क्योंकि जब कभी भूकंप या आंधी तूफान जैसा आपदा आए तब वो मकबरे के ऊपर न गिरकर बाहर की ओर गिरे। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आपने शायद ये फोटो कहीं ना कहीं देखी होगी कि ताजमहल के गुंबद को बांस से घेरा गया है, लेकिन ऐसा क्यों? दोस्तों यह इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और 9 से 11 बजे के बाद ताजमहल की सुरक्षा के लिए इसके गुंबद के चारों तरफ बांस का सुरक्षा घेरा बनाकर इसे हरे रंग के चादर के साथ ढक दिया गया था ताकि यह दुश्मनों की नज़रों से बचा रहे और इसे कोई नुकसान ना हो। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ताजमहल यमुना नदी के किनारे क्यों बनाया गया है? दोस्तों ताजमहल यमुना नदी के किनारे इसलिए बनाया गया है क्योंकि ताजमहल का आधार यानी बेस एक ऐसी लकड़ी पर बना हुआ है जिसे मजबूत बनाए रखने के लिए नमी की ज़रूरत होती है। इस नमी को पास में बहने वाली यमुना नदी ही बनाए रखती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।